मरहूम सैयद आफ्ताब हुसैन नकवी इब्न सैयद खैराब हुसैन नकवी को محمد وعلى محمد صلوات الله صل على محمد وعلى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهاديين المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أجل الله تعالى فرجه الشريف صلوات اللهم صل على محمد ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم الظلم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صلى الله عليه وسلم خاندان عصمت و طہارت پر ایک اور بلند ترین صلوات پڑھ دے تمام مریضان آل محمد جہاں جہاں بھی ہم لوگوں سے متعلق مریض ہیں اور حاجت مند افراد یا مقروض افراد یا بے اولاد افراد یا تلاش رزق حلال میں پریشان حال افراد یا بے صالح اولاد کی اصلاح کے لیے وہ افراد یا والدین اور اولاد کے درمیان میں بہترین سے بہترین روابط نہ ہونے والے افراد ان سب کی اصلاح کے لیے شفاء امراض کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
हजरत और करीब आ जाएं तो बाद में आने वालों के लिए जहमत नहीं होगी। आवाज बुलंद नारे सलावत हाजिर हैं, शुरू करें। कुरान मजीद का 24वां सूरा जिसे सूरतुन नूर के नाम से याद किया जाता है और अल्लाह सुभान व तआला को इतना पसंद है ये लफ्ज कि उसने अपनी जात का तारुफ भी नूर से कराया है। उसने कहा कि अगर मारिफत चाहिए मेरी तो ये पहचानो कि मैं नूर हूँ। और अल्लाह का कानून ये है कि वो नुमाइंदा भी बनाकर ऐसा ही भेजता है जैसा वो खुद है। तो इसका मतलब ये है कि वो नूर है, उसने जिसको रहबर बनाकर भेजा वो भी नूर है। तो वो भी नूर ऐसा नहीं है कि अगर मिंबर पे दिखाई दे तो नूर हो और मेहराब में दिखाई दे तो नूर हो और घर में आ जाए तो बेनूर हो, ऐसा नहीं है। बल्कि नूर मुजस्सम, नूर मुकम्मल हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नूर मुतजस्सी नहीं है कि कोई एक हिस्सा नूरानी होता हो, बल्कि हुजूर ने फरमाया और ये मुत्तफक अलैह, मैं हदीस पढ़ रहा हूँ, मेरी आदत है मैं कोई इख्तलाफी चीज नहीं पढ़ता, सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ पढ़ता हूँ जिसको सब कबूल करते हैं, ठीक है, और पढ़ना ही वो चाहिए जिनके तमाम उलमा ने कबूल किया, क्योंकि आज के इस ज़माने की ज़रूरत है यूनिटी की, इत्तेहाद की ज़रूरत है। लिहाजा पैगंबरे खत्मी मर्तबत के लिए हदीस जो फरीकैन के दरमियान में है वो ये है कि हुजूर ने सहाबा किराम के मजमे में नमाज पढ़ाने के बाद ये एहसास किया कि कुछ लोग रियायत नहीं करते। बहुत तवज्जो कीजिएगा, बहुत कुछ ले जाएंगे आप इंशाल्लाह, खजाना ले जाएंगे आज जी। ये महसूस किया कि कुछ लोग नमाज में इस बात का रियायत नहीं करते कि मैं रुकू से सर नहीं उठाता, वो उठा लेते हैं। मैं कयाम के आलम से रुकू से सर उठाने के बाद मैं सजदे में अभी जा नहीं पाता, मुझसे पहले सजदे में चले जाते हैं। अब आप ये देखें कि ये बताएं कि मेहराब में पैगंबर हैं साहिब कुरान, अहमद मुस्तफा कहाँ हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेहराब में हैं और मजमा पीछे है मस्जिद नबवी में, ये गार है माशाल्लाह, शोरिश है, बहुतेरा मजमा मौजूद है पीछे से, सफेद लगी हुई है। तो आप भी देखते होंगे आदतन कि अगर इमाम मेहराब में हो तो उसे पीछे का पता नहीं चलता, इवन कोई नमाज पढ़ रहा है या बैठ गया खाली गपशप करने के लिए, कोई किताब लेके बैठ गया, कोई कुरान लेके बैठ गया, इमाम को क्या खबर है, वो तो मेहराब में है। और मेहराब भी हमारी आपकाली नहीं है, जो इंडिया पाकिस्तान में मेहराब होती है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस मेहराब असली की बात कर रहा हूँ जो बाकायदा नशेब में होती है, जिसको एहसास ना हो मस्जिद नबवी जाके देखे, वहां बैतुल हराम में जाके देखे, और अगर यहाँ भी जाना नसीब न हुआ हो अभी तक तो मस्जिद जमकरान में जो इमाम जमाना के नाम से मंसूब है उसको आप उस आप मेहराब को देखेंगे, बाकायदा नशेब है इतनी तकरीबन, उसके अंदर इमाम जो है वो मौजूद होता है और तब वो नमाज पढ़ाता है। अब आप बताइए अगर इमाम वक्त जो है सजदे में है तो पता चलता है कि पीछे क्या हो रहा है, नहीं मालूम ना, मगर ये उस वक्त मुमकिन है जब हम इमाम को अपना जैसा समझे। ये फिक्र उस वक्त पैदा होगी जब हम इमाम को अपना जैसा समझे कि अगर इमाम सजदे में है तो उसे खबर नहीं है कि पीछे हो क्या रहा है। लेकिन अल्लाह ने यह कहा कि अल्लाह नूर समावात वल अर्ज, अल्लाह आसमान और जमीन का नूर है। पैगंबर ने फरमाया अव्वल उमा खलक अल्लाह नूरी,
सबसे पहले अल्लाह ने मेरा नूर खल करके जो है दुनिया में भेजा, मेरी वजह से आसमान को खल किया, मेरी वजह से जमीन का फर्श बिछाया, मेरी वजह से हवाएं फजाएं खलाएं चरण परन सब कुछ मेरी वजह से, साहिब लौलाक मुझे बनाया, इसलिए नूर मुजस्सम नूर मुकम्मल, ताकि वहदानियत का परतो हो। अल्लाह को कोई पूछे कि अल्लाह है कैसा, तो कोई बता तो सके कि वो ऐसा है कि जिसका राबता, तवज्जो करेंगे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, उसने अपने राबते के तौर पर अहमद मुस्तफा को खल किया है, वो अल्लाह खालिक होकर जिसको पैदा करने पर फख्र करे उसे खुदा कहते हैं। बहुत तवज्जो करें, यानी कुछ ऐसे अफराद आपको मिलेंगे जिसको कुरान ने अक्कासी की है कि बाकायदा तरीके से कहा, मसलन फर्ज करें जनाब मरियम का लाल नबी हैं, ईसा हैं, वो क्या कह रहे हैं के बारे में, इन्नी अब्दुल्ला आतानियल किताब वजालनी नबिया, सही है ना। इंशाल्लाह 25 दिसंबर को हमारी तारीखी मजलिस होगी जनाब कासिम हुसैनी साहब के यहाँ, जो 25 दिसंबर के हवाले से, आप समझ रहे हो, क्रिसमस के उन्मान से इंशाल्लाह। एक बाबा से बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, ठीक है। तो मैं पहले ही से अर्ज कर रहा हूं, इन्नी क्या कहा जनाब ईसा रूहुल्लाह ने, अपना तारुफ कराया, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मुझे अल्लाह ने किताब देकर भेजा है, वजालनी नबिया और मुझे अल्लाह ने नबी बना कर भेजा है। गौर नहीं किया आपने, ईसा कह रहे हैं मुझे नबी बना कर भेजा है, नबी यहां आके नहीं बनता, मुझे नबी बना कर भेजा है, और जो वहां से बनकर आता है उसका नुमाइंदा भी ऐसा ही होना चाहिए, जो वहां से बनकर आए हम ना बनाए। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद, हम अपने मौजू पर हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नूर मुजस्सम नूर मुकम्मल बनाकर भेजा। अब आप जब मस्जिद में हैं तो आपने इरशाद फरमाया, मैं ये देखता हूं, हुजूर आप देखते हैं, आप तो नमाज पढ़ा रहे हैं ना, मैं ये देखता हूं कि तुम में से कोई रियायत नहीं करता कि मुझसे पहले रुकू से सर बुलंद कर लेता है, मुझसे पहले कयाम से सजदे में चला जाता है। तुम्हें मालूम है नमाज महल इश्काल है, अगर इमाम से पहले कसदन जान बूझ कर आमदन ऐसी गलती कोई कर ले तो नमाज बातिल हो जाती है, ना पहले सर उठाना चाहिए, ना पहले सजदे में जाना चाहिए, ना पहले सजदे से सर उठाना चाहिए। तो लोगों ने बड़ी ताज्जुब से कहा कि सरकार ये बताइए आपको खबर कैसे हो जाती है, आप तो मेहराब में होते हैं, ये हरकत हमसे हो गई पीछे, तो हो गई तो हो गई, आपको खबर कैसे हुई। तो आपने फरमाया जिस तरह तुम अपनी दो आंखों से देखते हो, तुम्हारा ये नबी जिस्म के हर हिस्से से देखता है। हम जो फरमा रहे हैं सलावत पढ़े बाबा से बोला मोहम्मद, जिस तरह तुम अपनी दो आंखों से देखते हो इस तरह ये तुम्हारा नबी जिस्म के हर हिस्से से देखता है। तो अब ये हाथ भी, इसमें समात भी है और ये महल तकल्लुम भी है। बहुत तवज्जो कीजिएगा, आसान आसान लफ्जों में पढ़ रहा हूँ, चूंकि कल बहुत ज्यादा डीप में चले गए थे हम, और कोशिश कर रहा हूं मैं जरा सा और आसान कर दूं। पैगंबर इस्लाम का एक एक जिस्म का हिस्सा, वो कलाम भी करता है, वो सुनता भी है, वो देखता भी है, और उसकी मिसाल ये है कि पैगंबर से जो चीजें मंसूब हो जाएं, तवज्जो कीजिएगा इंशाल्लाह, पैगंबर से जो चीजें मंसूब हो जाएं, अल्लाह से जो चीजें मंसूब हो जाएं, इसलिए कि ये बैत बनाया ही पैगंबर के लिए है और पैगंबर के घर वालों के लिए, तो जो चीज वहां से मंसूब हो गई जिसका नाम है पत्थर, और पत्थर भी कौन सा गोरे रंग का नहीं है, हजरे अस्वद, ठीक है ना, हजरे अस्वद, वो हजरे अस्वद जो मंसूब है उसका भी हाल ये है कि वो सुनता भी है, वो कलाम भी करता है। तुम ये समझते हो कि ये पत्थर पत्थर है, आने वालों ने कहा अपने एतबार से, तारीख मौजूद है, क्या मैं जानता हूं तू पत्थर है, ना तू किसी को नुकसान दे सकता है, ना तू किसी को फायदा पहुंचाता है,
लेकिन मैं सिर्फ तुझे इसलिए चूम रहा हूं और हाथ लगा रहा हूं और मस कर रहा हूं, टच कर रहा हूं कि चूंकि हुजूर अकरम ने तुझे मस किया। तो ये बात जिसने सुनी, तारीख मौजूद है, जवाब मिला कि नहीं, ये आम पत्थर नहीं है, ये पत्थर वो है, ये तकल्लम, जो कलाम भी करता है, यस्मा, तुम्हारी बातों को सुनता भी है, और खाली सुनता नहीं है, महफूज करता है, यानी अजल से जब से है कयाम कयामत तक सबकी बातों को अपने जहन में महफूज रखेगा। मैंने जहन कह दिया और आपने कबूल कर लिया, पत्थर के पास जहन है, कोई चीज तो होगी, आज आप टेक्नोलॉजी का दौर है, कुछ चीज तो होगी ना। आप भी कहते हैं साहब चिप कितनी है, कार्ड कितना डाला है, मेमोरी कार्ड कितनी है, फला क्या है। हजर असद में देखिए कौन सी चीज है टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है परवरदिगार ने, जितनी आवाजें हैं, जो भी लोग बोलते हैं अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक वसादैक फला, जो कुछ भी आप कलाम करते हैं वहां पर हजर असद उसे सुनता है और महफूज रखता है। कयामत में मैशर में वो बाकायदा आपकी अक्कासी को, आपके उन अल्फाज को, आपके उस हरकात व सकनात को, आपकी उस अकीदत को, आपके उस अमल को, आपकी करतूतों को, आपके उन तमाम एक्शन को बदले में जवाब देगा परवरदिगार से, इसने दिल से एहतराम किया था, इसने दिखावे में एहतराम किया था, ये चला गया था गुजर के ऐसे ही, कहले पत्थर है, इसने मुझे पत्थर समझा, तवज्जो फरमा रहे, इसे अब समझ में आ गई बात। इसका मतलब यह है कि अगर आपको लफ्ज मिल रहा है कोई, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उस लफ्ज के वो ही माना है। एक पत्थर वो भी है जिसे आप जीनत बनाए हुए सवाब की खातिर पहनते हैं, जिसे अकीक कहा जाता है, फिरोजा कहा जाता है। एक पत्थर वो है जिसे बादशाह अपने ताज में जीनत के लिए बैठता है और पूरा खजाना उसके अंदर लगा देता है, वो भी मिल्कियत होती है। एक पत्थर वो है जिसकी जो है वो बाकायदा शिर्क जली, जो कल गुफ्तगू थी, शिर्क जली के उनवान से उसको बुतपरस्ती करता है, वो भी पत्थर है। एक पत्थर वो है कि जो बाकायदा तरीके से खिलकती एतबार से, तनफुसी एतबार से घटता भी है बढ़ता भी है। एक पत्थर वो है जो ठोकरों में फिरता है। लेकिन क्या ये सारे पत्थर बराबर है? नहीं है ना। तो जब सारे पत्थर बराबर नहीं है, इसलिए अल्लाह ने बाकायदा सिलसिला समझाया कि कोई चीज जरूरी नहीं है कि अगर एक जैसी देखो तो तुम उसे बराबर कह दो, ये जरूरी नहीं है। तवज्जो दीजिए जरा, जाकर मजलिस सुने, ये जरूरी नहीं है कि अगर आप एक जैसी देखें शबाहत उसकी एक जैसी हो, और हमने मसलहत के एतबार से शबाहत एक जैसी दी हो आसानियां करने के लिए, इसलिए जरूरी नहीं है कि तुम उसे ये कहो कि ये सब के सब एक जैसे हैं। क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? तिलकर रसूलों फर्दल्ला बादहुम अला बाद, हमने रसूलों को भी एक जैसा पैदा नहीं किया है, बल्कि रसूलों में भी एक को फजीलत दूसरे के ऊपर दी है, नबियों को भी बराबर खत्म नहीं किया है, इमाम को भी बराबर नहीं किया है, बल्कि इस एतबार से हमने समझाने के लिए तुम्हें जरूर कहा है कि उसकी इस्मत, उसका इल्म, उसकी फजीलत, उसकी इल्म लदुनी इस एतबार से एक है कि चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बुढ़ापे में हो, लेकिन तुम उसे ये मत समझना कि ये बच्चा है तो इसके पास इल्म कम है, ये जवान है तो इसके जज्बात ज्यादा है, ये बुढ़ापा है तो इसकी ज़ईफ़ी है। नहीं, यहां ज़ौफ नहीं आता, यहां ज़ौफ से किसी हकीम को नहीं बुलाया जाता। यहां अगर ज़ौफ आ जाए, किसी को बीमारी आ जाए, तो यहां वो बीमारी नहीं है कि डॉक्टर साहब को बुलाया जाए, नब्ज दिखाई जाएगी, वो तजवीज करेंगे नुस्खा, वो जो है बाकायदा तरीके से कोई माजून मुरक्कब बनाएंगे, नहीं, ऐसी बीमारियां इधर नहीं आती, बल्कि आलम यह है कि यहां ज़ौफ भी आए तो मसलहत होती है, जब ज़ौफ भी आ जाए तो ज़हरा की चादर लेकर और जाते हैं। यहां ज़ौफ भी अगर आ जाए तो यहां ज़हरा सलाम अलैहा की रिदा लेकर ओढ़ लेते हैं और शिफा हो जाती है। सुभान अल्लाह, शिफा हो जाती है। मसला क्या है फिर? ये कैसा ज़ौफ है? क्या ये ज़ौफ जो तुम समझ रहे हो, ये वो ज़ौफ नहीं है, तुम्हारी समझने का फेर है, तुम गलत समझे हो। ये ज़ौफ वो बीमारी नहीं है, तवज्जो करें, ये ज़ौफ वो बीमारी नहीं है, बल्कि हकीकत तो ये है कि अगर हकीकत में कोई बीमार हो
तो तुमने इल्म नफ्सियात तो पढ़ा है ना, इल्म नफ्सियात के एतबार से तुम खुद बताओ कि तुम्हारे घर में अगर कोई बुजुर्ग बीमार हो जाता है क्या होता है? जिस कमरे में जाके उस बुजुर्ग को लिटा दिया बीमार को, क्या करते हैं? सारे बच्चे वहीं भेज देते हैं उसी के पास। शरीक हयात के लिए तो कयामत हो जाएगी अगर ऐसा हो जाए। घर में इतनी सारी फैमिली माशाल्लाह, बुजुर्गवार जो है बीमार हो गए, कमरे में लेटे हुए हैं, बाकायदा कफ भी है, खांसी भी है, नजला भी है, जुकाम भी है, वेदर बदला हुआ है टोरंटो का, वो जनाब लेटे हुए हैं, और जनाब आप बच्चे भी सारे वहीं भेज दें शरारत करने के लिए, क्या होगा? होगा नहीं, कयामत आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? कयामत से पहले कयामत आ जाएगी घर में। अगर वही मर्द हैं जो पहले थे, मैं कुछ कह रहा हूँ उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो गुलामी में हों, सलवात तो पढ़ते मोहम्मद वाले भाई। कुछ बातें हम जरा सा वैसे ही कह लेते हैं, इसका मतलब आप सीरियस मत होइएगा, चेहरा चेहरा ना बदलिए, आप जो है वो ही रहिए, ठीक है? तो मैं ये गुजारिश कर रहा था, तो इसका मतलब क्या है, होता क्या है हमारे यहाँ? दस्तूर ये है कि जब कोई बीमार हो जाए, जोफ में हो, तो उसके करीब हम किसी को जाने नहीं देते ताकि आराम में खलल ना हो। बच्चों से कहते बेटा खबरदार बाहर खेलने जाके आप लोग, ये गेम खेल लें, अपना होमवर्क कर लें, ये कर लें, दूसरे कमरे में चले जाए, मगर इधर मत आना। क्यों? फला साहब बीमार है, तुम्हारे दादा, तुम्हारे नाना, तुम्हारे चचा, तुम्हारे अब्बा बीमार है, यही होता है ना? तुमने नहीं देखा फितरत बदल गई, फितरत बदल गई। यहां क्या है? यहां हुजूर आके कह रहे हैं, क्या कहते हैं? इन्नी ला अजदु फी बदनी ज़ौफा, मेरे लाल में अपने बदन में ज़ौफ महसूस कर रहा हूं। बाबा जान लेट जाइए, आराम कीजिए। क्या ठीक है? ले आओ चादर, चादर ओढ़ ली, ठीक है ना? ज़ौफ है तो लेटे रहिए आराम से। अब जब बेटा आया तो बेटा भी बुला लिया, दूसरा बेटा आया उसे भी बुला लिया चादर में। आलम यह है कि चलिए बच्चे ही तक सही, चचा साहब भाई आ गया, दामाद आ गया, उसको भी भेज दो चादर में, वो भी चादर में आ गए। ये कैसा जोफ है, क्या कहने? ये कैसा जोफ है? बेटी तू भी आ जा, कहा बेटी तू भी आ जा, और ये चलिए सब हो गए पांचों पांचों चादर में, चलिए मैंने माना भाई। लेकिन वो जो आसमान पे रहता है, जिसके लिए फरिश्तों की रिवायत के लिए लिखा हुआ है कि उसका एक पर मशरिक में और एक पर मगरिब में, उसको जिब्रील अमीन कहा जाता है। इतना लंबा चौड़ा जिब्रील अमीन, और इतनी रिदा कौन सी है जो सर से पांव तक, उसके लिए भी आपने सुना होगा लफ्जों की शरह की जरूरत। अल्फाज की शरह में सिर्फ इसलिए करता हूं ताकि बच्चे समझते रहे कि अगर सर छुपाए तो पैर खुले, और पैर छुपाए तो सर खुले। चादर का वजूद अर्ज और तूल इतना था, नबी ओढ़े तो मुकम्मल चादर, उसी चादर के अंदर हसन भी आ गए, उसी चादर के अंदर हुसैन भी आ गए, मैं क्या कह रहा हूँ, उसी चादर के अंदर फातिमा जहरा खातून जन्नत भी आ गई, उसी चादर के अंदर अली कायनात का मुश्किल कुशा भी समा गया, उसी चादर के अंदर जिब्रील अमीन भी आ गए। कुछ तो सोचो, कुछ तो बताओ, या तो यू कहो कि चादर तूल में बढ़ गई, या ये कहो कि चादर अर्ज में बढ़ गई। कहो कि चादर में मौजूदा हो गया। अगर चादर का मौजूदा मानते हो तब भी सैयदा की फजीलत है। किसी ना किसी तरह जैसे भी आप तस्लीम करें, लेकिन ये बताएं कि ये जिब्रील अमीन जिसका एक पर मशरिक में दूसरा पर मगरिब में, ये कैसे आ गया? या तो ये कहिए कि जिब्रील छोटा हो गया। इसका मतलब ये है कि ये दर वो है जो बड़े बड़े होते हैं वो अभी छोटे होके आते हैं। आपको सलामत रख के समझ आने ना बात, या तो ये कहिए कि जिब्रील खुद इस दर की अहमियत को समझते हुए उन्होंने पर अपने समेत लिए, वजूद को उन्होंने छोटा कर लिया, और है भी यही, हकीकत भी यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं नजर आता। तो मैं कह रहा था कि होता क्या है, सरकार ये फरमाइए, आपने तो ये कहा था कि मैं ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूं, तो जब आप ज़ौफ़ महसूस कर रहे हैं अलहदगी में, लेट जाइए आराम कीजिए। ये बच्चों को क्यों बुला रहे हैं, बेटी को क्यों बुला रहे हैं, दामाद को क्यों बुला रहे हैं? वो आसमान का रहने वाला जिब्रील वो आ गया, तारुफ कर रहा था वो भी आ गया, कह दिए होते कि जिब्रील ये टाइम नहीं है,
ظاہر ہے علی کا شاگرد ہے, کوئی بڑی بات تو ہے نہیں. سبحان اللہ. جب ٹائم دیں گے جب آئے گا, جب منع کر دیں گے چلا جائے گا. یہی تو ہے نا, کوئی سائل بن کے آیا آپ کے یہاں, کبھی یتیم بن کر آیا, کبھی مسکین بن کر آیا, کبھی چکی چلانے کے لیے آیا, کبھی خیال بن کر آیا. خدمت گزاری کے لیے اللہ نے, حضور یا رسول اللہ یہ فرشتے تو آپ کی خدمت کے لیے خلق کیے ہیں نا, یہ اس لیے تو نہیں کہ آپ زوف میں لیتے ہوئے اور آپ انہیں چادر میں بھی لے جائیں. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, عجب نہیں آواز دے نادان, تو جانتا نہیں اعتراض کرنے بیٹھا ہے, تجھے نہیں پتا یہ زوف وہ زوف نہیں جو تیرا ذہن کا زوف ہے. بلکہ یہ ہے کہ یہ نبوت کے ٹکڑے ہیں جو بکھرے ہوئے تھے, جب یہ ایک جگہ جمع ہو گئے زوف ختم ہو گیا اور آواز مشیت آئی, انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو اعضاء و جوارح بھی الگ ہیں, دیکھنے کا انداز بھی الگ ہے, انداز تکلم بھی الگ ہے, آداب خورد و نوش بھی الگ ہے. یہ تو صرف جو ہے اللہ کا کرم ہے, چونکہ وہ رحمان اور رحیم ہے اور اس نے پیغمبر کو جو خلق کیا. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, کائنات کے لیے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. یہ رحمت ہے اس پروردگار کی کہ اس نے مجسم رحمت مجسم نور بنا کر بھیجا. کیوں؟ ہماری ہدایت کے لیے. بشریت کا جو لباس دے کر بھیجا ہے وہ ہماری ہدایت کے لیے, ورنہ یہ خود سب سے بڑا معجزہ ہے. آج دنیا کے افراد کو سمجھنا مشکل ہو رہا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جسم و جسمانیت کے ساتھ نبی اڑ کر چلے جائیں آسمان اول و دوم و سوم و چہارم اور عرش الہی تک. کمال ہے, سوچنے کی بات ہے, ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ جسم کے ساتھ کیسے ممکن ہے پرواز کر کے چلے جائیں. یہ مت سوچو یہ کیسے چلے گئے, سوچو اس بات کے اوپر کہ 63 برس میرا نبی نور مجسم نور مکمل ہو کر رحمت مجسم ہو کر اس سرزمین پر تمہارے ساتھ کیسے رہا. تم نے کبھی آئینہ دیکھا ہے, شکلیں دیکھی ہیں, تمہارے ساتھ نبی 63 برس کیسے رہا, یہ ہے تعجب کی بات. تعجب اس پر مت کرو کہ نبی جسم کے ساتھ کیسے رہا. اس لیے کہ پہلا لفظ یاد ہوگا آپ کو, توفیق ہی ہمارا نور ہے, اللہ نور السماوات والارض, اور اس نے خلق کیا تو اول ما خلق اللہ النور. تم نے پتا نہیں, تم نے بالکل آسان لفظوں میں گھر میں ایک ٹارچ جو ہے اس کو آزما لے. بچوں کے لیے مثال دے رہا ہوں, بزرگوں سے ہمیشہ میں دعا کا طالب ہوتا ہوں. ٹارچ کو لیں اور اس کو استعمال کریں زمین کی طرف, پستی کی طرف روشن کریں, اس کا نور, اس کی ضیاء, جو کچھ بھی اس کے اندر قوت اور پاور ہے وہ رک جائے گی جہاں پر سطح ارض آئے گی. مولانا صاحب اردو کے گاڑے الفاظ مت بولا کریں. تو میں کرتا یہ ہوں اصل میں کہ ایک معنی کے لیے کئی کئی لفظ بولتا ہوں تاکہ ایک نہ ایک تو آپ کے ذہن میں آئی جائے انشاءاللہ. سمجھ رہے ہوں گے نا, مجھے سمجھ میں آ رہی ہے نا جی. تو جب آپ ٹارچ ہاتھ میں لیتے ہیں اور روشن کرتے ہیں اسے, تو اگر آپ نے زمین کی طرف اس کو نشان کیا اور دکھایا تو کیا ہوتا ہے, اس کا نور, اس کی ضیاء رک جاتی ہے سطح عرض پر, زمین تک آتی. لیکن اگر آپ نے اسے, جو نور کی صفت کیا ہے, نور کو بلندی چاہیے, نور پستی پسند نہیں کرتا. بات سمجھ آ رہی ہے, نور پستی پسند نہیں کرتا, نور کو ہمیشہ بلندی چاہیے. اسی ٹارچ کو جو آپ نیچے کی طرف کر رہے تھے, ذرا سا آپ نے حرکت دی اوپر کی طرف. اب آپ بتائیے, جتنے بھی سائنس دان افراد اگر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے حساب لگا کے بات بتائیے کہ جیسے ہی ٹارچ کو ایسے اس طرف رخ کے بجائے آپ نے ایسے کیا, کتنے سیکنڈوں میں یہ روشنی, یہ نور کتنی دور تک, کتنی حدوں تک, کتنی پرواز اس نے کی ہے, کتنے لمحے میں, کتنا سفر طے کر لیا اس نے اجرت کے اندر, کتنی صورت اس نے اختیار کی, کیوں کی؟ سبحان اللہ. یہ تو رک گیا تھا یہیں پر, کہیے تھی پستی,
इसके ऊपर बोझ था, ये बड़ी मुश्किल से पैदा हो रही थी, चूंकि नूर के मिजाज के खिलाफ है पस्ती बर्दाश्त करना, लेकिन नूर को चाहिए बुलंदी, पलक झपकने में नूर इधर से उधर चला जाता है, समझ में आ रही है बात। तो इसीलिए अल्लाह ने कहा हबीब को समझो, मोहम्मद मुस्तफा को मैंने नूर मुजस्सम बनाकर भेजा है, ये जो जमीन पर रह रहा है इस पर ताज्जुब करो, ताज्जुब इस पर न करो कि ये कब आ गया, कब चला गया। कमाल मुस्तफा का नहीं है, बहुत तवज्जो करें, ये कमाल कमाले मुस्तफा नहीं है कि वो चला आया, वो खुद नहीं आया। तुमने लफ्ज नहीं पढ़ा कुरान का, बनी इसराइल का हमने क्या कहा, हमने फख्र किया सुभान अल्लज़ी असरा बि अब्दिही, खुद नहीं आया, ये तो कमाल हमारा है, इसलिए कि हमने मेहमान बुलाया था। तो अगर तुम्हें कुछ एतराज है तो मेरे मुस्तफा पे एतराज नहीं कर रहे हो, ये एतराज रुबूबियत पर है। तुमने हमें खालिक समझा ही नहीं, तुमने हमें कायनात का मालिक समझा ही नहीं, ये तो हमारी शान है कि हमने भेज दिया बुराक, तुम्हें बुराक ही लफ्ज समझ गए होते। अगर बुराक लफ्ज को समझ गए होते तो कभी जिस्मानी और रूहानी के मसले में पढ़ते ही ना, इसलिए कि बुराक बना ही बर्क से है और बर्क की तारीफ बिजली करंट है, आगे वही नूर की तरफ। तो अगर नूर पर नूर आ जाए, सुभान अल्लाह, अब मैं आ जाऊं सूरह नूर की आयत पढ़ दूं, कसम खुदा की ये है मेरा जो मजलिस, इसे कहते हैं इल्म, इसे कहते हैं कस्बियत। अल्लाह कहता है अल्लाह नूर समावात वल अर्ज मसल नूर ही का मिश्का, उसके नूर की मिसाल ताक जैसी है। वो कि जिसके ताक के अंदर शीशे का गुलदान रखा हुआ हो, अल सुजाजा तो कानहु कौकबुन दुर्रियुन, वो जो सुजाजा है उसका आलम क्या है, वो बिल्कुल चमकता हुआ गोया एक तारे के मानिंद है। यूकदो मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्कियतिन वला गर्बियतिन, जिसके अंदर वो खुद ब खुद जिया फैलती है, उसका उसकी रोशनी फैलती है, उसका नूर फैलता है खुद ब खुद। यूकदो मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन, मुबारक जैतून के दरख्त के जरिए से रोशन हो जाता है वो सब कसम। उसके बाद ला शर्कियत वला गर्बिया, ये चराग ऐसा है, ये रोशनी ऐसी है, ये नूर ऐसा है, इसकी किरणें ऐसी हैं कि न ये शर्की है न ये गर्बी है। काश बड़ा महसूस कर रहा हूं मैं इस मौके के ऊपर, यह है इल्म अदब की मजलिस, यहां मजलिस नहीं पढ़ रहा हूं मैं, मंजिल मेराज की मजलिसों पर है, तवज्जो फरमाएं। ला शर्कियत वला गर्बिया, न ये शर्की है न ये गर्बी है, यकादो ज़ैतुहा ज़ैतुहा ज़ैत तेल, हा का मर्जा उसी की तरफ जा रहा है, इसके तेल आलम ये है कि जब ये चराग में होता है, वलौ लम तमसस हो नारुन, इसे आग जलाने की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद रोशन है। और अब अल्लाह कहता है नूरुन अला नूर, इसकी सिफत ये है कि ये नूर पर नूर होता है। अगर अब भी समझ में ना आई मजलिस तो कभी ना समझोगे, आ जाओ खाने काबा में, नूर मुजस्सम अहमद मुस्तफा और उसके ऊपर अली इब्ने अबी तालिब, नूर अला नूर। जब नूर पर नूर होता है, सुभान अल्लाह क़िबला सुभान अल्लाह, नूर से जब इत्तिसाल नूर बेहद हो गया, कोई अहमद कोई हादी कोई सफदर हो गया, पर्दे गैबत में मेहदी हो या हिजरत में अली, ओढ़ ली जिसने रिदा बिल्कुल मोहम्मद हो। बाबा का बुलंद नारा सलावत,
इंशाल्लाह कल वक्त पे तशरीफ लाइएगा, हमारा इसी सिलसिले में गुफ्तगू रहेगी। हम मारफत आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम थोड़ा सा इस साल में कुछ नई चीजें एक नई फिक्र के साथ कुरान मजीद के इस्तेमाल और रिसर्च के जरिए से आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, जो मैंने आयात एजाम से 15 साल ईरान में जो कोशिश की है उन दुरूस को आपकी खिदमत में शेयर कर रहा हूँ इंशाल्लाह। बाबा जी बोलो सलवात पढ़े मोहम्मद वरना पता है आपको अराकीन बैतुल कायम हमारे मजहर भाई जैसे और शमीम साहब तबसरा करने वाले तबसरा निगार कहाँ हैं, आज गायब है। और माशाल्लाह सब अच्छी तरह से वाकिफ है, ये मजमा माशाल्लाह अच्छी तरह जानता है कि मौजू जो है वो इतना अहम होना चाहिए मजलिसों का कि जिसके जरिए से हर आने वाला एक इल्म लेकर जाए। चूंकि इमाम सादिक और खुद तमाम आइन में मासूमीन की रिवायत है, खुद पैगम्बर खत्मी मरतबत फरमाते हैं कि तुम्हारा दिन जो रोजन रोज़ रोशन की तरह मौजूद है वो कल के मुताबिक ना हो, इल्मी सलाहियत में कल के मुताबिक ना हो। तुम्हारी पहचान ये अगर तुम हमसे मंसूब हो तो तुम्हें पता है हम कौन है, मदीनतुल इल्म है, अली बाबुल इल्म है। हमारा चाहने वाला इल्म का शौक ना रखता हो ये हो नहीं सकता। हम अपने चाहने वालों से मोहब्बत इसलिए करते हैं कि वो इल्म दोस्त हैं। तो अब हर आने वाला नया दिन इल्म में इजाफा चाहिए, चाहे नई हदीस सुनो, चाहे नई हिकमत सुनो, चाहे नई आयत सुनो, चाहे नई रिवायत सुनो, एक ना एक चीज लेकर घर जाओ और जब बिस्तर राहत पे आराम पजीर हो तो थोड़ा जहन में गर्दिश दो कि आज की मजलिस में हमने कस्बे फैज क्या किया है, कल हमारा क्या था माजी, आज क्या है, कल आने दिन में कल आने वाले दिन में तगैर व तबद्दुल की कैफियत रूहानी एतबार से मेराज हो जानी चाहिए। जिस तरह से जिस्म की गिजा लाजिम है वैसे ही इस रूह की गिजा लाजिम है, और रूह की गिजा का बेहतरीन जरिया जिक्र आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। लेकिन ये जिक्र मुकम्मल नहीं होता जब तक के मसाइब आले मोहम्मद का जिक्र न किया जाए, इसलिए कि मोहब्बत का मेयार ही है कि इंसान जब उसको चाह रहा है तो उसकी खुशी और गम में जब तक शरीक ना हो वो दोस्त नहीं कहलाता। ये नहीं है कि आप अच्छे हालात में तो आप हैं मौजूद दस्तरखान पे शरीक हैं, जब तक हालात हमारे हैं मुर्गे मुसल्लम खिला रहे हैं, जब भी आप आ गए बिरयानी बना रहे हैं, ठीक है कौरमा बना रहे हैं, पराठे बना रहे हैं, कबाब, ये शामी कबाब, ये फला कबाब, और हालात खराब हो गए दोस्ती खत्म रिश्ता खत्म, ये कौन सी इंसानियत है। दोस्त वो होता है कि जो खुशी और गम दोनों में बराबर का शरीक हो, और जे जाए कि दोस्ती अंबिया से हो, दोस्ती खुदा से हो, दोस्ती अहले बैत से हो, दोस्ती आले मोहम्मद से हो, उसकी अलामत क्या होगी। यहां भी यही है, खुशी में भी शरीक हो, गम में भी शरीक हो, और गम में शिरकत की अलामत क्या है, कैसी अलामत है। ये दो महीने गम के दिन है, इन दो महीने 8 दिन में गम में इस तरह से शरीक हो जाओ कि तुम्हें यह एहसास हो कि वो बच्ची 4 साला सकीना कि जितने इतनी मुसीबतें उठाई करबला के अंदर कि अपने बाबा के ऊपर आंसू ना बहा सकी, वो बच्ची कि जिसने अपने चचा को खो दिया, वो बच्ची कि जिसका भैया ना रहा, वो बच्ची सकीना कि जो अली अकबर के लिए तरसती रह गई, वो बच्ची जो अली असगर के लिए तरसती रह गई, काश मुझे इतना पानी मयसर आ जाए ताकि मैं अपने भैया को 2 घूंट पानी दे दूं। क्या हुआ? नहीं, बल्कि आलम यह हुआ कि जब वो लम्हा आया अबा अब्दुल्लाह हुसैन जब रुखसत होने लगे तो जुलजना आगे ना बढ़ा, जब बहुत देर हो गई तो एक मरतबा मेरे मौला ने फरमाया मैं तुझे ज्यादा जहमत देने वाला नहीं हूं, सिर्फ मुझे मक्तल तक पहुंचा दे, वापस आने की भी जहमत नहीं दूंगा। लेकिन नहीं चलता, आंखों से आंसू जारी। अब जो इशारा हुआ तो देखा गरीब इमाम ने महसूस किया कि सीने पे सोने वाली सकीना
घोड़े के पाव से लिपटी हुई पहन कर रही है। मेरे बाबा के वफादार घोड़े सुबह से जो भी मख्तल में गया वापस नहीं आया, मेरे बाबा को न ले जा। हुसैन नीचे उतरे, उतरने के बाद बेटी को सीने से लिपटाया। साहिबाने औलाद का मजबा है, तुम्हारे भी घरों में बेटियां हैं, कितना प्यार करती है बेटी अपने बाप से कि दिन भर की सारी कहानी सारे किस्से अपने बाबा के सीने पर लेट के सुना देती है। बाबा अम्मा ने आज ये कहा, बाबा स्कूल में ये हुआ, बाबा मदरसे में ये हुआ, बाबा फला मेहमान आया था, फला बच्चे ने हमारी कॉपी छीन ली। हजार तरह के किस्से अपने बाप से बच्ची बयान करती है। हर बेटी अपने बाप का सुकून होती है, लेकिन सोचो वो बच्ची कितनी कदर कीमत होगी कि जिसका नाम ही सकीना हो, जिसका बाप नमाज शब में तमन्ना करके अल्लाह से मांगे, उस सकीना की हजमत क्या होगी। सीने पर लिटाया, जलती हुई जमीन पर हुसैन लेटे और लिटा कर तसल्ली दी, आवाज दी, बेटी सकीना आज हमने आखिरी वक्त में तुम्हें सीने पर लिटा लिया, जगह दी है, मगर अपनी आदत बदल लो। का बाबा कैसे आदत बदल लूं, आपके सीने के अलावा तो मुझे नींद नहीं आती, आप कैसे सोओगी। का नहीं, तुम अपनी अम्मा के पहलू में सोया करो। आवाज दी सकीना ने, बाबा अम्मा के पहलू में तो मेरा भैया अली असगर होता। हुसैन ने आवाज दी, बेटी सकीना अली असगर आज से मेरे साथ होगा, तुम अपनी माँ के साथ रहा करो। अल्लाह अल्लाह, उस दिन से लेके कूफा और कूफे का जिंदान, शाम शाम का दरबार, शाम का जिंदान, रोज आना सुबह शाम ये बच्ची जिंदान शाम के दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती। बस आखिरी जुमले, अल्लाह को कोई गम ना दे सिवाय लमे अहले बैत के, दरे जिंदान पे खड़ी हो जाती। सकीना कहती थी रोकर, वतन चलो अब्बा, नहीं है चैन यहाँ पर, वतन चलो अम्मा। जैसे ही परिंदों को देखती थी आसमान के ऊपर, तड़प के कहती थी, फूफी अम्मा सुबह सवेरे ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं। जनाबे ज़ैनब समझाती थी, बेटा ये अपने अपने आशियानों से निकले हैं, रोजी के लिए निकले हैं, जा रहे हैं। अच्छा, शाम हुई, शाम को फिर देखा, अब परिंदों का रुख दूसरा है, उधर से इस तरफ आ रहे हैं। तो फिर कहा तड़प कर, फूफी अम्मा ये परिंदे सुबह इधर से इस तरफ जा रहे थे, तो आपने कहा था ये बाहर निकले हैं रोजी के लिए, अब ये इधर से इधर जा रहे हैं, तो अब कहां जा रहे हैं। का बेटा शाम हो गई ना, ये अपने अपने घर आशियानों में जा रहे हैं। तो तड़प के कहते थे, फूफी अम्मा हमें कब नसीब होगा वतन जाना। अरे ये सकीना जिसके दिल में तमन्ना रह गई, सुगरा से मिले जट के रोजे पचाए, मगर उसे नसीब ना हुआ। एक बार ख्वाब में बाबा को देखा, सीने पर शोर सुना रहे हैं, तसल्ली दे रहे हैं। अब जो आंख खुली तो तड़प के एक मरतबा रोने लगी। जैसे ही सकीना ने रोकर एक जुमला कहा, ऐ नबी मेरा बाबा कहाँ है, मेरा बाबा कहाँ है। जनाबे ज़ैनब ने सोचा, बेटा खैरियत तो है, तुम्हारे बाबा कहाँ है, मक्तल में सर कटाया है तुम्हारे बाबा ने, आशूर के रोज से तुम्हारे बाबा तुम्हें मालूम है। कहा, नहीं नहीं फूफी अम्मा, मेरे बाबा अभी मौजूद थे, मुझे अपनी बाहों में लिए हुए थे, मेरे कानों में जो दर्द हो रहा था, पता है खाली बाबा नहीं थे, एक मौजवा भी थी, मैंने पूछा बाबा ये कौन है, क्या तुम्हारी दादी अम्मा आई है, तुम्हारी दादी अम्मा तुम्हें लेने के लिए आई है। अब तो ये बयान करना शुरू किया तो सारी बीवियां रोने लगी, समझ गई सकीना का आखिरी वक्त आ गया। अब तो कोहराम बरपा हुआ, यजीद मलून के दरबार में खबर पहुंची, क्या खबर है, क्या कोई मर गया, क्या कल मरा तो नहीं, लेकिन हुसैन की बच्ची ने ख्वाब में अपने बाबा को देखा है, इसलिए सब के सब रो रहे हैं। लीजिए तसल्ली के लिए बड़ा कमाल कर दिया, क्या कमाल है सुनिएगा, जिसको बड़ी तारीफ में बयान किया जाता है। क्या ये तारीफ है, क्या ये कमाल है, क्या ये हुनर है, क्या ये हमदर्दी है कि एक बच्ची यतीमा हो और उसके सामने बाप का कटा हुआ सर भेज दिया जाए। क्या इसी को तस्कीन कहा जाता है, क्या इसी को तसल्ली कहा जाता है। लीजिए बच्ची तड़पी, सरे हुसैन भेज दिया गया, जैसे ही सरे हुसैन आया, बच्ची ने तड़प के
अब जो बीवियों ने महसूस किया तो ये महसूस किया कि शायद थक कर सकीना को नींद आ गई, सकीना और आपके लिए सो गई। अब कोई ना बोले, आहिस्ता बोलो, इसलिए कि सकीना को नींद आ गई। अरे अब जो सैयद सज्जाद आगे बढ़े, अब जो बहन की हालत को देखा, क्या महसूस किया, रूह कफ़स से उंसरी से परवाज कर गई, सकीना न रही। अब मैं कैसे कहूं, जहां गुस्ल के लिए इंतजाम ना हो, जहां कफन के लिए इंतजाम ना हो, अरे मोहलत मिली, अरसी लहद और कब्र को तैयार किया गया। लीजिए, दुनिया में है कोई ऐसा भाई और बहन इतनी मोहब्बत के अलविदाई तौर पर सैयद सज्जाद के जिसके हाथों में हथकड़ियां मौजूद है। मुझे नहीं मालूम कि उसने बहन का लाशा कैसे उठाया, लाश को उठाकर कब्र के हवाले किया, कब्र से दो हाथ लबूदार हुए, ए सैयद सज्जाद लाओ मेरी अमानत को मेरे हवाले कर दो। इसीलिए माँ अलविदाई तौर पर कहती थी लिपट कर, ए लाल सकीना, रोजाना कहती थी वतन कब जाएंगे, आओ बेटा उठो, हम वतन जा रहे हैं। سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون। परवरदिगार तुझे वास्ते मोहम्मद आले मोहम्मद का हमारी इस मुख्तसर कलील इबादत को कबूल फरमा, वाजिबात कह जाएगी मोहरमात से परहेज करने की तौफीक इनायत फरमा, अंजाम और आकिबत पर खैर फरमा, सिवाय गमे आले मोहम्मद के हमें कोई गम अता न फरमा। या अल्लाह, जो मकरूज है उनके कर्ज की अदायगी फरमा, जो बीमार मरीज़ हैं उनको शिफाए कामिल और आजली इनायत फरमा, जो दुनिया से गुजर चुके हैं जवार आइमा में जगह इनायत फरमा। या अल्लाह, जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद सालेह अता फरमा, जिनके पास परवरदिगार औलाद है उनको नेक तरबियत अता फरमा, हमें हर साल हज व ज़ियारात की तौफीक इनायत फरमा, जन्नतुल बकी के रोज़ाए मुक़द्दस को तामीर करने के असबाब फराहम फरमा। या अल्लाह, हमारी अज़ादारी को कबूलियत का शरफ अता फरमा, हमें मारिफत अज़ादारी अता फरमा, इमाम ज़माना की मारिफत अता फरमा, उनके ज़हूर में तअज़ीम फरमा, हमें उनके अंसार और आवान में शरीक फरमा। माता में हुसैन।